हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेरी फाइन एट योर होम। सो टुडे वी विल रीड आर चैप्टर नंबर 3, आर फूड। आर फूड, आर फूड मीन्स द फूड आइटम्स वी ईट। जो हम खाना खाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट स्टार्ट। वी ईट फूड टू लिव एंड टू ग्रो। हम खाना क्यों खाते हैं? सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। एंड टू ग्रो मीन्स बढ़ने के लिए। फूड गिव्स अस एनर्जी। खाना हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। काम करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो खाना हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड कीप्स अस हेल्दी एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। फूड जो है हमें हेल्दी बनाता है, स्वस्थ बनाता है और हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, पावरफुल बनाता है। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम खाना, हमें जो है फूड कहाँ से मिलता है? फूड आइटम्स प्लांट से, पौधों से, एंड एनिमल्स मीन्स पशुओं से मिलती हैं। थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट प्रोडक्ट्स। ऐसी फूड आइटम्स, ऐसी चीज़ें जो हमें प्लांट्स से मिलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स। एंड द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल प्रोडक्ट्स। और ऐसी फूड आइटम्स जो हमें एनिमल से मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। अब हम बात करेंगे ऐसी फूड आइटम्स के बारे में जो हमें प्लांट्स से मिलती हैं। फर्स्ट लाइन, प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स। प्लांट्स जो हैं हमें, पौधे जो हैं हमें फ्रूट्स, फल देते हैं। वेजिटेबल्स सब्जियां देते हैं, ग्रेन्स अनाज देते हैं, एंड पल्सेस मीन्स दालें देते हैं। दे ऑल्सो गिव अस नट्स एंड ऑयल। पौधों से हमें और क्या क्या मिलता है? नट्स, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, एलमंड, कैश्यू नट्स, एंड ऑयल, कुकिंग ऑयल जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो ऑयल मिलता है। लुक इन द पिक्चर, वीट प्लांट इज शोन। वी मेक फ्लोर फ्रॉम द वीट सीड्स एंड विद द हेल्प ऑफ द फ्लोर वी मेक चपातीज। ग्रेन्स आर यूज टू मेक चपाती, बिस्किट, ब्रेड एट्सेट्रा। अनाज जो है किसके लिए यूज़ होता है? चपाती बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए और ब्रेड वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट, पल्सेस। पल्सेस आर यूज टू मेक दाल, रसम, सांभर। पल्सेस जो हैं दाल, रसम और सांभर बनाने में यूज़ होती हैं। दाल आपके सबके घरों में बनती ही होगी। रसम एंड सांभर आर साउथ इंडियन डिशेस। ओके, नेक्स्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या होती हैं? फल और सब्जियाँ। लुक एट द पिक्चर, हेयर सम ऑफ द फ्रूट्स आर शोन। वाटरमेलन, पाइन एप्पल, मैंगो, बनाना, पियर, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स। एंड इन द वेजिटेबल्स पिक्चर, हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ वेजिटेबल्स, कलीफ्लावर, पम्पकिन, ब्रिंजल, पीज, कैप्सिकम, पोटैटो, कैरेट, टोमेटो, ट्यूलिप एट्सेट्रा। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स। पौधे जो हैं हमें फल देते हैं। वी ईट फ्रेश फ्रूट्स। हम ताज़े फल खाते हैं। वी ऑल्सो मेक जूसेस फ्रॉम द फ्रूट्स। हम जो हैं उन फलों का जूस भी पीते हैं। वेजिटेबल्स आर कुक एंड देन ईटन। सब्जियों को पकाया जाता है और तब हम उन्हें खाते हैं। सब्जियों को हम पहले कुक करते हैं ना, पकाते हैं, तभी उसको हम खाते हैं। सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ। कुछ सब्जियों को हम कच्चा खा सकते हैं। वी ऑल्सो मेक सूप्स ऑफ वेजिटेबल्स। हम सब्जियों का सूप भी बनाते हैं। नेक्स्ट वी विल रीड नट्स। नट्स आर यूज एज ड्राई फ्रूट्स इन विंटर्स। नट्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, वो हम एज अ ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं विंटर्स में। सर्दियों में ड्राई फ्रूट की तरह हम खाते हैं। नट्स और पीनट्स, मूंगफली, एलमंड्स, बादाम, कैश्यू नट्स, काजू, वॉलनट्स, अखरोट। तो इन सब ड्राई फ्रूट्स को हम विंटर्स में खाते हैं। वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम देम।
इनसे हमें ऑयल भी मिलता है. फॉर एग्जाम्पल पीनट ऑयल, लुक इन द पिक्चर, पीनट ऑयल इज शोन, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल. सो प्लांट्स गिव अस ऑयल, पौधे हमें ऑयल देते हैं, तेल देते हैं, कुकिंग ऑयल जिसमें हम खाना बनाते हैं. ऑयल इज यूज टू कुक फूड, ऑयल जो है तेल खाना बनाने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट अप वी हैव फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, ऐसा खाना, ऐसी खाने की चीज़ें जो हमें एनिमल्स से मिलती हैं, पशुओं से मिलती हैं. काउ, बफेलो एंड गोट, एनिमल्स आर शोन इन द पिक्चर्स. एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, गोट गिव अस मिल्क. गाय, भैंस और बकरी हमें क्या देते हैं, दूध देते हैं. मिल्क इज़ यूज टू मेक कर्ड, बटर, चीज़, खीर, आइसक्रीम एट्सेट्रा. दूध जो है क्या क्या बनाने में यूज़ होता है, दही, बटर मीन्स मक्खन, चीज़ मीन्स पनीर, खीर और आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ होता है मिल्क. नेक्स्ट अप वी हैव हैन गिव्स अस एग्स, मुर्गी है जो हमें अंडे देती है. सम पीपल ईट द मीट ऑफ द एनिमल्स, कुछ लोग जो हैं एनिमल्स का मांस खाते हैं. लुक इन द पिक्चर, चिकन इज शोन, मटन इज शोन, फिश इज शोन, सम पीपल ईट दीज आइटम्स ना. नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हो, अ पर्सन हु ईट्स फूड दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड वेजिटेरियन. ऐसे पर्सन जो ऐसा खाना खाते हैं जो प्लांट से मिलता है या मिल्क प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व करते हैं अपनी डाइट में, उनको हम बोलते हैं वेजिटेरियंस. अ पर्सन हु ईट्स मीट ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन. और ऐसे पर्सन्स जो मीट, मांस खाते हैं एनिमल्स का, उनको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस. रिमेंबर, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रिमेन वेजिटेरियन, हमेशा शाकाहारी रहना, वेजिटेरियन रहना, प्लांट बेस्ड डाइट लेना ही सही है हमारी हेल्थ के लिए. नेक्स्ट अप वी हैव जोजो डज नॉट कीप वेल, जोजो जो है सही नहीं रहता, दैट मींस उसकी सेहत सही नहीं रहती, हेल्थ. ही बायज फूड फ्रॉम द रोड साइड हॉकर्स, वो जो है रोड साइड हॉकर्स जो गली में खाना बेचने के लिए आते हैं उनसे लेकर खाता है. ही ऑल्सो ईट्स चॉकलेट्स एंड टॉफीज एवरी डे, वो जो है डेली चॉकलेट्स खाता है और टॉफीज खाता है. टू रिमेन हेल्दी अवॉइड ईटिंग, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अवॉइड करना पड़ेगा, खाना अनकवर्ड फूड, बिना ढका हुआ खाना. लुक इन द पिक्चर, फ्लाइज आर अराउंड द फूड बिकॉज द फूड इज अनकवर्ड, सो दे कैन ट्रांसफर जर्म्स टू द फूड. नेक्स्ट अप वी हैव फूड फ्रॉम रोड साइड हॉकर्स, वी शुड अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम द रोड साइड हॉकर्स बिकॉज देखो द बॉय इज ईटिंग फूड एंड फ्लाइज आर अराउंड द फूड आइटम. दे कैन ट्रांसफर द जर्म्स टू द फूड एंड द जर्म्स विल एंटर द बॉयज बॉडी एंड ही विल गेट सिक. सो वी शुड अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम रोड साइड हॉकर्स. नेक्स्ट, वी शुड अवॉइड स्पाइसी एंड फ्राइड फूड, मसालेदार खाना और तला हुआ खाना भी हमें अवॉइड करना चाहिए. टू मैनी स्वीट्स, बहुत सारी मिठाइयाँ, मीठी आइटम्स जो हैं, टॉफीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, हमें अवॉइड करनी चाहिए. जंक फूड मीन्स बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, ये सब भी जो हैं ओबेसिटी कॉज करते हैं, बहुत सारे डिसीजेज कॉज करते हैं. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कवर द फूड, ये बहुत, खाने को ढकना बहुत ज़रूरी है. फ्लाइज मेक द फूड डर्टी, मक्खियाँ जो हैं खाने को गंदा कर देती हैं. टू मच स्वीट्स एंड फ्राइड फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ज़्यादा मीठा खाना और तला हुआ खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. सो स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड द रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 3 आवर फूड. होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड प्रैक्टिस द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर
and make it understood.